आज माजरा डाकोड़ा के इस भोमिया जी के दरबार में पांच गांव की ओर से आयोजित इस भंडारे में हमारे मंच पर विराजमान जो गुरु जी कह रहे थे सबके दादा है मामचंद जी साहब, इनके नाना जी है, बाकी हम तो सब दादा ही मानते हैं आज से इनको। यहीं पर मंच पर विराजमान हमारे जो पूरण जी पार्षद है, भाई मनोज जी पार्षद हैं, हमारे जिले के महामंत्री उमेद भाई जी हैं, हमारे राजकुमार जी हैं किसान मोर्चा के, राज सिंह जी हैं, पूरण जी चंदेला है, भाई दो टीम है यहाँ पर महेश जी और जगराम जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो माइक का संचालन कर रहे हैं हमारे गुरु जी रोहितास जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर विराजमान जगदीश जी सूद साहब, राज सिंह जी गुजर साहब, मोहर सिंह जी पीटीआई साहब, शीश राम जी गुरु जी, छुट्टन जी रावत साहब, दन्ना जी सरपंच, छीतर जी, जगदीश जी और सभी सम्माननीय हमारे आदरणीय और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों और नौजवान दोस्तों। शुरू में तो मुझे भंडारे के कार्यक्रम में जब शुरू में मैंने चार साल पहले आना शुरू किया तो मैं सोचता था कि क्या गाते हैं, मेरे समझ में भी नहीं आता था। देखो साफ सुथरी बात करता हूँ मैं तो। अब धीरे धीरे पता नहीं कैसी क्या प्रभु की कृपा हुई है, भगवान की, अब मुझे बड़ा रस आने लग गया इनमें, ये गाते हैं मासी लोग, तो ये बहुत ही शुभ दिन है आज। देखो ईश्वर ने भी छाया कर रखी है, अभी मैं बुटेरी टोल पर था, वहां बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है, तो गुरुजी को मैंने फोन किया तो कहते बारिश को साथ ले आओ। मैं गुरुजी बारिश को अभी नहीं, शाम को बुलाएंगे, अभी तो रहने दो, हमने फिर अपना कार्यक्रम सही नहीं होगा। तो आप सब इसमें 36 बिरादरी के समाज के लोग आते हैं भंडारे में, एक साथ बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, माताएं बहनें आती है, एक दूसरे से मिलती है, हमारी संस्कृति है, ये हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति है, जहां हम बैठ के आज भी वर्षों से, हजारों वर्षों से जो हमारी संस्कृति चल रही है उसको आज ये गांव में जिंदा है, शहरों में तो साल पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। तो निश्चित रूप से आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आज दादाजी ने हमारा स्वागत किया, मामचंद जी ने आशीर्वाद दिया। और मैं तो आप सबका भी आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि राजनीति मेरे लिए कोई पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए सेवा का एक केंद्र है। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य सेवा करेंगे, नहीं रहेगा तो भी करेंगे, दोनों स्थिति में सेवा करेंगे। तो 17 सितंबर को एक कैंप भी लगा रहे हैं मैम अपने हरसोरा में, डॉक्टर वीरेंद्र जी यादव है, अपने नाम सुना होगा आपने, मिश्री देवी आई हॉस्पिटल के बैरोड के, बहुत अच्छे डॉक्टर है, अभी यहाँ ऑपरेशन करवाए थे मैंने बानसुर में, जिसमें 1500 लोगों ने ओपीडी करवाई, 267 लोगों का वहाँ ऑपरेशन कराया उनका निशुल्क, उनको बस से भेजा और वापस ऑपरेशन करा के उन्हीं को वहीं पे छोड़ा। तो मैं उन लोगों से व्यक्तिगत भी मिला, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इसी तरह का आशीर्वाद दिया, आत्मा का आशीर्वाद, ऊपर को आशीर्वाद गुंचा जी बिल्कुल ही, आत्मा का आशीर्वाद मिले। तो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, आपसे निवेदन है कि अपने घर परिवार रिश्तेदार में जो भी किसी की आंख में खराबी हो, जो जाने में वहां दिक्कत आती हो, तो आप हरसोरा में 17 सितंबर को आप पधारें, आपकी सेवा की जाएगी, ऑपरेशन वालों के ऑपरेशन भी होंगे बिना निःशुल्क, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है। और आज इस मंच का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे साफा बंधा कर इन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि सामने जो बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, निश्चित रूप से देखो राजनीति की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन रोटी को भी अपन एक ही साइड सेकते रहेंगे तो दूसरी साइड कच्ची रह जाती है, एक साइड ज्यादा जल जाती है। तो निश्चित रूप से देवनारायण भगवान की कृपा हो तो आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिले इस भोमिया जी के दरबार में, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और मेरे लायक जो भी कोई सेवा हो हमेशा आपके बीच में रहता हूँ। और मेरा तो पता नहीं, देखो मैं तो सच बोलने की आदत है, मैं यहाँ से कोई टिकट भी नहीं मांगता था, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि इस बानसुर की भूमि से कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के संस्कार है, ये भगवान की इच्छा से शायद मैं बानसुर में आऊंगा, कि मेरा यहाँ क्या लेना देना था बताओ आप। तो निश्चित रूप से अब आप लोगों से प्रेम भाव हो गया, मेरा मन आपके बीच में लग गया, तो निश्चित रूप से मैं लंबे समय तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोमिया जी महाराज।